फोन करके कहा कि वह 2 दिनों तो फोन नहीं चुक रहा। उसने कमरे ते पहुंच के जो देखा तो वह लटकिया होया सी। इलाके दे कौंसलर ने जानकारी दिती कि उस तो इलाके विचों फोन आया कि विद्यार्थी दरवाजा नहीं। जिला फतेहगढ़ साहिब की सुरखियों के विच रहने वाली यूनिवर्सिटी के विच पढ़ाई कर रहे एक विद्यार्थी दे फलों अपने कमरे के विच अजिहा कदम चुकिया गया कि हर एक दे साह सुक गए। दरअसल 2 दिन तो यह विद्यार्थी कमरे के विच बंद सी। कहा जा रहा है कि अपने परिवार का भी फोन नहीं चुक रहा सी। जो उसके बाकी साथी पहुँचते ने कुंडा खोलिया जाता तो अखी उसनू इस हालत देख के हर एक दे होश उड़ गए। मृतक की पहचान नशीर अल पट वजो हुई है, जिसकी उम्र महज 21 साल के करीब है। जम्मू कश्मीर का रहन वाला सी। मृतक के दोस्त ने दसिया कि उसके परिवार ने फोन करके कहा कि वह 2 दिनों तो फोन नहीं चुक रहा। उसने कमरे ते पहुंच के जो देखा तो वह लटकिया होया सी। इलाके दे कौंसलर ने जानकारी दिती कि उस तो इलाके विचों फोन आया कि विद्यार्थी दरवाजा नहीं खोल रहा। कमरे विचों बदबू आ रही सी, जिसते पुलिस को सूचना दे दी गई है। दूजे पासे जांच अधिकारी ने कहा कि मृतक दे कोल 2 मोबाइल सन जो कि उच्च अधिकारियों ने दे दिए गए ने। बाकी जांच उन्होंने वालों की जा रही है। ऐसे ऐसे मसला, इसके घर से फोन आया था कि ये पिछले 3 दिन से 2 दिन से फोन नहीं उठा रहा है, कि इसके फ्लैट में जाके पूछो क्या मसला है क्या नहीं मसला है। तो उस बेसिस पे हम इधर आ गए, तो हमें यहाँ पे रुकाया गया। पहले ये बताया कि जब तक पुलिस नहीं आती है तब तक हम ऊपर जाने नहीं देंगे किसी को। जो ये भाई साहब थे इनकी भी हम थैंकफुल हैं, इनके भी इन लोगों ने ऑन स्पॉट पे संभाल ली। तो उसके बाद जो ही हम ऊपर चढ़े तो ये हमें वहाँ पे लटका हुआ मिला। हम विद पुलिस ऊपर चढ़े। ये स्टूडेंट था? हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट था। कहाँ पढ़ता है? ये RMT यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। किस सेमेस्टर में, किस क्लास में? शायद 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट है। BSc नर्सिंग में स्टूडेंट है, करंटली पढ़ रहा है वहाँ पे। क्या नाम है इनका? इसका सालिक नाम है, सालिक नसीर। कहाँ के रहने वाले? जेएंड के गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का है। तो अभी ये मोर्चरी में लेकर गए हैं? हाँ जी, हाँ। पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर? पेरेंट्स को घर भी इन्फॉर्म हो गया, इनके इनके कजन्स भी आ रहे हैं। बस इनके कजन्स। मधु साहब, ये मोहल्ले वाले का मैंने फोन आया भी उरे कोई स्टूडेंट रहिंदे ने भी, वह सवेर का दरवाजा नहीं खोल रहे थे। हुण सानू लगता भी स्मैल आ रही है ना, वह दरवाजा खोलते हैं। तो मैं इमीजिएट SHO साहब नूं फोन करिया, उन्होंने पुलिस भेजती। जो ASI जसपाल सिंह आया मौके पर, जाके इन्हां दे नाल इह लड़के दे साथियों नूं नाल ले जाके दरवाजा इन्हों वालों तोड़िया गया, जिद कि अंदर जाके देखा तो वह लड़की लड़किया पाया, वो उन्हें अपने आप में फाह पाया पाया से। उन्हों थले तार के मुआयना मुआयना करे, वो मोबाइल मोबाइल जो पुलिस ने अपनी हिरासत लै ले, तो होर जो बच्चों पूछताछ की जा रही है, जोड़े वे नेड़े के दोस्त से जो कॉल डिटेल ने वो चैक करे, जो बनती कार्रवाई है वो पेरेंट्स आ जाएंगे, फिर वो पोस्टमार्टम कराएंगे। जो उस तो बाद फरदर कार्रवाई होगी, पुलिस की बनती कार्रवाई होगी, वो देख लेंगे। सो कहने का मतलब भी जेडे कश्मीर तो आए हुए हैं, इन्हों का बहुत उरे शहर च भी होल्ड है, मतलब कि चंगा इन्हों का उरे संख्या है। वो सारे जो इन्होंने रल के अपने वालों जिन्हें भी एफर्ट से वो करे ने, तो साढ़े महल वास वालों भी जो बनता जो सहयोग कर सकते सके इन्हों का करे। अगे नू भी इन्हों कहा भी जे थोड़ा कोई पुलिस की या कोई हस्पताल के लड़ होगी असं इन्हों खड़े हैं। फोन आया सीगा कोई स्टूडेंट आ जिन्हें सुसाइड कर ली है, ठीक है जी। मैं इतने पहुँचा तो आ के देखिया ये स्टूडेंट आ रिमट यूनिवर्सिटी के बेसा, इन्हें हैंगिंग कर ली है। नसीर अल भट्ट आ, जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, उम्र 21 साल है। बाकी कार्रवाई जारी है, कोई पता लगे कारण की है? ये इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पर लगेगा जी, पता कोई दे रहे हैं। सीगा भी इनका कोई सुसाइड नोट मिले? नहीं नहीं, हजे फिलहाल कुछ नहीं है। मोबाइल सीगा इहदे हाथ दे विच? मोबाइल 2 ट्रेस करे आ जी, मोबाइल हैगे 2 ट्रेस करे आ, वो हुण देते अगे अफसरां नूं कोई गल नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बिलकुल जिवें भी है ड्यूरिंग, बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है। नाम की है जी? नसीर अल भट्ट आ। किन्नी उम्र है जी? 21 साल। 21 साल ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੀ। ਉਰੇ ਪੜਦਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਰਿਮੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਂਗਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੀ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਫਲੋ अपने कमरे दे विच अजिहा कदम चुकिया गया कि हर एक दे साह सुक गए।
दरअसल दो दिन तो यह विद्यार्थी कमरे के बंद सी। कहा जा रहा है कि अपने परिवार